Hello and welcome to our new video about UPSC CMS Rapid Revision. Today we will talk about one liner of UPSC CMS. This one liner will be very important for your upcoming examination. तो चलिए शुरू करते हैं। पहला one liner है वो है the upper limit of age of visual fixation following. बच्चे में जो visual fixation होता है उसकी जो upper limit है वो कौन सी, तो उसका आंसर आएगा 2 months. अब next question है कि जो कोलास्ट एब्सेस किसमें देखने को मिलता है, तो उसमें आएगा ट्यूबरक्लोसिस. ये सब मैं इजी से आपको बता रहा हूँ और रिपीटेड क्वेश्चन भी है. अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि जो सिंक्सटेकल ब्लैकमोर ट्यूब होती है वो किसके मैनेजमेंट में यूज होती है, तो उसका आंसर आएगा वेरिसियल ब्लीडिंग. जब वेरिसियल ब्लीडिंग होती है तब यूज होती है, ये सब आपको लिखना है. ठीक है, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्किलर डुअल बॉडी एक इसमें देखने को मिलती है, किस हिस्टोपैथोलॉजिकल में देखने को मिलती है, तो वो मिलती है योग से ट्यूमर, जिसका दूसरा नाम है जो यूपीएससी सीएमएस में पूछा गया था वो था एंडोमेट्रियम एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये वन लाइनर पूछा जा सकता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो टोंग बाइट है वो सीजर के मतलब कि एक्लेम्पसिया जब होता है प्रेगनेंसी तब किस स्टेज में टोंग बाइट देखने को मिलता है, उसका आंसर है क्लोनिक स्टेज. और ये टोंग बाइट प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम है माउथ गैग यूज करेंगे. ठीक है, उसकी वजह से टोंग बाइट प्रिवेंट होगा और बाद में हमें जो म्यूकस होता है वो भी सक्शन करना जरूरी है और ऑक्सीजन भी साथ में देना जरूरी है, यह आपको एक्लेम्पसिया के लिए याद रखना है. तो टंग बाइट क्लोनिक स्टेज में होता है, दो स्टेज टोनिक क्लोनिक ऐसा पूछा जाएगा, तो बाद में उसमें आंसर आएगा क्लोनिक स्टेज. अगला क्वेश्चन था कि रेफरेंस प्रोटीन किससे माना जाता है. रेफरेंस प्रोटीन का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आपको आंसर देना है एग में जो प्रोटीन होता है उसको न्यूट्रिशनल स्टडी के लिए रेफरेंस प्रोटीन माना जाता है. क्वेश्चन था कि हेल्थ एजुकेशन मॉडल में क्या आता है, हेल्थ एजुकेशन मॉडल में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ. 3 चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, एक है मेडिकल मॉडल, दूसरा है मोटिवेशनल मॉडल और तीसरा है सोशल इंटरवेंशन मॉडल. तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी जरूरी है, वो 2023 में पूछा गया था. बाद में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी, ठीक है, प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी, तो प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी में कौन सा टेस्ट किया जाएगा, तो वो है फेकल क्लियरेंस ऑफ अल्फा ट्रिप्सिन. ये टेस्ट हम प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी के डायग्नोसिस के लिए करते हैं. अगला क्वेश्चन है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया था, तो उसमें जो आंसर आता था वो ग्लार्जिन. और इसका मैंने डिटेल वीडियो यूगोनिक के साथ कौन सा शॉर्ट एक्टिंग है लॉन्ग एक्टिंग और इंटरमीडिएट वो हमारे चैनल पे दिया गया है, वो मेरी पर आप देख सकते हैं. ठीक है, उसकी वजह से आप इजीली ये याद रख सकेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर इविलेशन ऑफ हाइपरकैल्सेमिया कौन सी है, ठीक है, तो उसके आंसर में आएगा सीरम पैराथायरॉइड हार्मोन लेवल. अगर पैराथायरॉइड इंक्रीज होगा उसकी वजह से भी हाइपरकैल्सेमिया देखने को मिलेगा, तो एक क्वेश्चन आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो यूरिनरी अल्कलाइजेशन है वो किस ड्रग के टॉक्सिसिटी में मैनेजमेंट में यूज होता है, तो उसका आंसर आएगा फिनोबार्बिटल.